हेलो दोस्तों, मेरा नाम है योगेश गोस्वामी, आप देख रहे हैं टेक टॉक। तो दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ रेडमी नोट 10 प्रो का रिव्यू। तो कुछ दिनों से यूज कर रहा हूँ मैं इस फ़ोन को, मुझे तो पर्सनली बेटर लगा ये फ़ोन, काफ़ी स्मूथ है चलाने में भी, एक्सपीरियंस काफ़ी ठीक ठाक रहा मेरा इसके साथ। 720G प्रोसेसर पे ये रन करता है और इतने दिनों के अंदर लगभग ओवरऑल देखें तो मेरा एक्सपीरियंस के अनुसार तो लगभग 11 घंटे इसकी बैटरी चलती है, 11 से 12 घंटे तक। नॉर्मल यूज़ करते हैं तो 11 घंटे लगभग निकाल देती है इसकी बैटरी, और बैटरी सेवर और अल्ट्रा पावर सेवर मोड दोनों इसके अंदर देखने को मिलते हैं, जिससे आप बैटरी इंक्रीज भी कर सकते हो, इसका यूजेज यानी यूज़ बढ़ जाएगा कुछ टाइम, और इसका साउंड भी मुझे काफ़ी बेटर लगा। कैमरे की क्वालिटी भी अच्छी है, मैं कहूँगा बढ़िया है, अच्छी नहीं उससे भी बेटर है। इस आप 1080 पे वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं इसके द्वारा। तो देखते हैं इसके कुछ इस खुद से लिए हुए फ़ोटोज़, इसी फ़ोन से मैंने क्लिक किए, तो कुछ सैंपल्स आपको दिखाता हूँ मैं। तो चलिए मूव करते हैं गैलरी के अंदर। ये देखिए, इसी फ़ोन से ली हुई सारी पिक्चर्स है। ये देखिए सैमसंग गैलेक्सी F62, इसी फ़ोन से क्लिक की हुई फ़ोटोज है। ये देखिए कितनी ज़्यादा शार्प है, सैचुरेटेड तो नहीं है ज़्यादा, बाकी ये देखिए बहुत ज़्यादा शानदार पिक्चर लेता है। ये देखिए डिटेल्स है फ़ोटोज़ के अंदर, काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स है डीपली। ये देखिए सैमसंग F62। इसी के साथ और भी इसकी फ़ोटोज ली हुई दिखाता हूँ मैं। ये देखिए काफ़ी ज़्यादा नेचुरल पिक्चर्स लेता है, ये काफ़ी ज़्यादा नेचुरलिटी है पिक्चर्स के अंदर। ये देखिए काफ़ी ज़्यादा नेचुरल है, डिटेल्स भी काफ़ी ज़्यादा है। ये देखिए ये भी इसी फ़ोन से ली हुई पिक्चर्स हैं। बाकी आप बताइए कमेंट में आपको कैसी लगी, मुझे तो पर्सनली काफ़ी ठीक लगी पिक्चर्स इसकी। बाकी आप कमेंट करके बता सकते हो आपको ये पिक्चर्स कैसी लगी इस फ़ोन से क्लिक की हुई। और इसी के साथ मैंने वीडियो भी बनाया इसकी, इसकी स्टेबलाइजेशन भी काफ़ी ज़्यादा ठीक है, यानी देखिए एक वीडियो दिखाता हूँ, इसी के द्वारा बनाया गया वीडियो है ये। तो इसके अंदर देखिए स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, स्टेबल कर लेता है लगभग। ये देखिए मैं अभी मोशन में हूँ बट कैमरा स्टेबल है, इतना ज़्यादा इसके अंदर वेरिएशन नहीं आ रहा। ये देखिए, तो आप बताइए आपको इसका कैमरा कैसा लगा, मुझे तो बढ़िया लगा इतने दिनों से यूज़ कर रहा हूँ मैं। तो अब कुछ साउंड भी दिखा देता हूँ इसके बाद में, पहले कैमरे का। ये देखिए इसकी खुद की पिक्चर क्लिक करके दिखाता हूँ अभी। ये देखिए और इसी के साथ आपको फीचर भी काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं इसके अंदर, अलग अलग ले सकते हो आप पिक्चर्स अलग अलग मोड पे। ये देखिए डिटेलिंग खूब है पिक्चर्स के अंदर, खूब डिटेलिंग मिलेगी आपको, कोई आपको शिकायत नहीं होगी इस मोबाइल से कैमरे को लेकर, जहाँ तक मेरा सवाल है, मुझे तो नहीं हुई। अभी देखिए इसकी साउंड क्वालिटी भी आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ कि इसका साउंड कैसा है। इस वीडियो में बस दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले फ़ोन के साथ। तो बताइए हमारा रिव्यू कैसा लगा, मैं और इम्प्रूवमेंट लाऊंगा उसके अंदर। तो थैंक्स।